वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 13.15 पे ट्रेडिंग करा है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक। तो लास्ट मंथ में भी गिरावट देखने को मिली थी, इस मंथ में यहाँ पे बहुत सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। 15 लेवल जो रजिस्टर एक्ट हो के यहाँ पे फिर से गिरावट देखने को मिले। आज 80 पैसे की गिरावट हो चुकी है, तकरीबन 5.76% इसकी गिरावट यहाँ पे देखने को मिले ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक में। वैसे भी देखा जाए तो आज गैप डाउन से ओपन हुआ था, गैप डाउन से ओपन होते ही गिरावट देखने को मिली और 13 लेवल जो है उसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया था, फिर से बाउंस बैक करके 13 लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हुआ था 13.55 पे, हाई बनाया था 13.60 का और लो है आज का 12.85 का। मार्केट कैप है 773 करोड़ का और यहाँ पे आप देख सकते हैं पी रेशो बहुत ही ऊपर का है जो कि 412 का है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही पी रेशो नहीं है। तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते मूवमेंट देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि 9.93 यानी कि 10% की गिरावट देखने को मिले और लास्ट 1 मंथ में 21.73% की गिरावट देखने को मिले ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक में। चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते जो ब्लू कलर का जो लाइन है वो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, उसको यहाँ पे नीचे के साइड ब्रेकआउट दिया है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक ने। तो नीचे यहाँ पे गिरावट भी होती है तो 12.55 पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग सकता है, वही से बाउंस बैक हो सकता है क्योंकि 12.55 लेवल जो है सपोर्टिव लेवल है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक, तो वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए।